हम इंसान हैं क्या हमें जिंदा रहने का हक नहीं? हम इंसान हैं क्या हमें डिग्निटी और जस्टिस नहीं चाहिए? लेकिन जेल में जाएंगे तब वो डर नहीं है दीदी, अपना हक के लिए लड़ाई लड़े करेंगे, जल जंगल जमीन छोड़ेंगे नहीं। भारत आज़ाद हुआ है, आज भी हम लोग आज़ादी नहीं है, तो आज ये आज़ादी को बदल के हमको रखना है। फांसी को सजा हो जाएगा तब भी हम चढ़ जाएंगे फांसी पर, लेकिन अपना लड़ाई हम छोड़ेंगे कताब नहीं। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हम न चोर ही न बेईमान ही, अपना हक के लिए, जैसे हम लोग सारे भाई बहन दुख अगर एगो घाव हो जाए तो हमार बथा होई तो हम रोए तो हमार सब दीदी के बथा बुझाए कि हम अपना हक के लिए अपे आप बोलब कि हम नहीं बोलब तो हमरा कोई नहीं दी। जल जंगल के लिए हमन अपना हक के लड़ाई के लिए लड़े ला, जो हम लोग के कानून पारित हुए, हमार नाम राजकुमारी सोनभद्र बिंडम थाना दूधी तहसील, इतना दूधी तहसील और सोनभद्र में गुंडागिरी चलत बा प्रशासन के अधिकारी के कि झूठे झूठे सुकालो दीदी। देखिए 5 महीने जब जेल गए इनके रास्ता में पकड़ के ले गए, और 5 महीना दीदी झारखंड बिहार हम दूसरे दादा भैया कह के 5 महीना बिताए, 5 महीना बिता के जब हम लोग सुकालो दीदी बाहर आए तब हम अपने गांव पर आए। और वहीं से जो भी हम गाड़ी से उतरे पैर रखे नीचे, वो पीछे से हमारा जो है पीठ घाटी बैग था उसी में मोबाइल था, पीछे से खींच लिया। तो हम अलग के जब देखे भैया काहे खींच रहे हैं हमारा मोबाइल, का चलिए आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। हम कहे एसपी साहब के पास अभी नहीं जाएंगे, हम घर जा रहे हैं, अब घर से हम आएंगे तो मिलेंगे, कोई चोर बेईमान थोड़ी है कि रास्ते से आप ले जाएंगे। उसने नहीं माना, कहे कि नहीं आप चलिए, तो गए। हम कहे कि कोई चोर डाकू नहीं है, ना किसी को कुछ किए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमको हिम्मत था, डर तो था नहीं कि भाग जाए, तो हम लोग दोनों चले गए। हम ये नहीं कहत रही कि कन्हर तू मत बांधो, बांधो कन्हर, लेकिन मौजा दे के भुलवाइए मत गरीब के, उसको घर के मौजा दीजिए और जमीन के बदला आप जमीन दीजिए। मेरे बेटा का मौत हुआ, वो जो जंगल जमीन पे कब्जा किया है हिंडाल को पूरा कंपनी वो बिड़ला, अब उसके लिए जब वहाँ मौत हुआ उसका FIR करने के लिए आज तक 6 साल के समय गुजरा, बाकी आज तक तो आप नहीं किए, कितना SP DM आए और कोई नहीं किया। अब अभी हम अपने हक के लिए जो है लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं, इसके लिए हमको जेल लाप ले जा रहे हैं। अब उतने मने हक मांगे के कारण में हमारा रास्ता में ले उठा के पुलिस ले गई, जब ले गई पकड़ ले लग तो हम कि ना भैया का कैले ही हम हो, अरे कह नहीं राजकुमारी चला दूधी, दूधी से तोहरा छोड़ दे, हम कि हम जान गलियो भैया, हम देखिए ना बड़े लोग के हाथ जोड़ी, ना हम साहेब कही, ना कोई अधिकारी कही, हाँ भैया हम जान गलियो, तू तो दूधी का ले जेबे, तोरा तो हम जानो थी जो मिर्जापुर ले जेबे, तो कहे नहीं 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 छोड़ दे, हम कि चल कहाँ ले चलबे। जब दीदी चुपे चुपे नल लग जैसे हमार रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता में दूधी लान के ऐसे बगल में खड़ा करा के, हमार साथ में लड़का भी रहे, हमार छोटे भाई भी रहे, झूठे झूठे फर्जी मुकदमा हमारा आगे में लिखलक लगौलक धारा, तो हम कीजिए जब 14 दिन भैया तू रख चाहे 14 साल रख, जेल भी तो हमार बहन, तब वो हमें कह रही हम नहीं जाए जा। अब हम ऐसे कि अपराधी कैले ही तू अपराधी नहीं खा कैले, तो एगो पुलिस का कहत बा दीदी क्या राजकुमारी तो ऐसे तीर चलाती है गोली मारती है, तो हम वहीं ओकरा जवाब देली कि गोली ठीना तो गोली तो भैया बंदूक गोली तोरा ठीना बा, तो हम तोरा कैसे गोली मारली, हम तीर ले ले ही हमार आदिवासी या भूया ही या, तो हमार तीर के निशान तोरा अगर हम मरले हुई तो हमरा देखा तब ना हम जानब, तो कहते चला चला सा, हम कि चल चलत तो है ही को हम भागत ही चोर चंडाली बेईमान या लुटेरा या तोरे निया जितना लगा ले धारा लगा ले।
किस्मती के रखे थे वो 30 का बैरिक है और अभी फिलहाल में उसमें 70 लोग हैं, 70 महिला हैं और उसमें बच्चे हैं, अभी 10 बच्चे भी हैं उसमें, बहुत छोटा से छोटा है, बढ़न से बढ़न है उसे बैरिक में, तो समझिए 70 और 10 80 हो गए और बैरिक है केवल 30 का। ऐसा गुजार रहे हैं उसमें कि कोई बैठने के जगह नहीं है, सोने के लिए तो बहुत दूरी की बात है, बैठने के जगह नहीं है, वहाँ बाथरूम वाथरूम है उसमें जो है सो रहे हैं, बैठ रहे हैं कि कैसों रात दिन तो कटे, अब तो कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग तो आंदोलन वाले हैं, सीखे तो कुछ भी वहाँ बात भी कर लेते हैं, बाकी जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं। और 10-12 साल से लेकर जेल के अंदर कैदी बना के रखे हैं, कम से कम 90-95 साल के लोग बूढ़ी हैं जो कि चल नहीं पाते हैं। ऐसे आदिवासी और दलित महिला को जो संघर्ष करने से जिसका नाम में केस डालते हैं, ये ज़्यादा ये है क्योंकि पता भी नहीं चलता है केस क्या है, मेरे जैसे लड़की को भी पता नहीं है क्या क्या केस है। जो संघर्ष करते हैं वो आदिवासी और दलित महिला को किसके नाम से बनाते हैं, जेंट्स लोग हम भाई लोग पापा लोग लड़ाई करते हैं, घर में जाके बेटी बहन और बहू को उठा के ले जाते हैं पुलिस। पुलिस का एक ऐसे चला है, अभी एक हो गया है, सरकार का ऑर्डर है ना, वो पुलिस वाला के यहाँ पता नहीं है, लेकिन ले के जाते हैं और उसको माओवादी नाम से फोटो निकालते हैं और आपका टीवी मीडिया में दे देते हैं, वो माओवादी बन जाता है। जो भी औरत ये जानती है हाउ टू फाइट बैक, हाउ टू रेजिस्ट बैक, तो गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका जेल जाना एक नेचुरल सी बात है। ठीक बा, हम गलत दार है, तेरा राजकुमारी के ऊपर में वो अपना मौके जाँच करे, जाँच करके उसको देखे जहाँ सही राजकुमारी गलत किया है कि झूठ। जो दलाल कह दिलक कान में फूक दिलक वह सुन के धारा लगा के अब चलो राजकुमारी के जेल में ठूसो। महिला को ज़्यादा लेके जाते हैं, पहले से थी कि नहीं जेंट्स लोग के ले जाओ महिला को नहीं, अभी सरकार बोलता है नहीं महिला आगे है उसको पहले ले जाओ। वहाँ क्या क्या स्थिति है कोई बताने वाले नहीं, कोई पत्रकार भी अंदर नहीं घुस के बात करते हैं, जो बाहर गेट के अंदर मने घुसते भी हैं वो पूरा स्थिति बात नहीं सुन पाते हैं। जो अधिकारी वहाँ के बताएंगे जो करेंगे वही बाहर आ सकते, कैदी के सवाल कोई उठाने वाले नहीं हैं। तो हम 5 महीना रहे, 5 महीना में समझिए कि अब चाहे भगवान का सहारा, संगठन के सहारा आओ अपना सच्चाई के सहारे, हम 5 महीना अनाज वहाँ नहीं खाए। अब अपने दिल में समझिए कि एक सेव खाकर 24 घंटे में अब जिंदा कैसे रहे, अब हम भी नहीं समझ सकते हैं कि हम रह पाएंगे। बाकी 5 महीना गुजारे, 5 महीना गुजारते हुए भी निकले कि अपना जीत हासिल किए, जेल में भी हम जीत के निकले, वहाँ भी हम इनकलाब करते निकले, कोई ने नहीं बोला उस समय हमको वहाँ इनकलाब किए कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे नीचे स्तर में लोग चाहते हैं कि कोई समाज के जानकारी, ये हक के जानकारी लोगों के पास न रहे तो उनको दबाने वाला हर कोई मिलते हैं, दबंग हम लोग गांव में दबंग कहते हैं और दलाल चुगला कहते हैं, तो ऐसी दलाल चुगला पूंजीवाद हैं और वही सरकार है, प्रशासन है, एकदम ये अधिकारी लुटेरा बेईमानो और जितना इंसान के दबावे सोचिए गरीब के, पूरा गरीब के वहाँ मतलब शोषण बा कि गरीब पीछे रहे, हम जो जनता है पूंजीपति वाला बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े विदेशी कंपनियाँ, बड़े बड़े सेठियाँ, बड़े बड़े ब्राह्मण उनको मने बहाली देते हैं, और जो आदिवासी है न घर के न बाट के न कहूँ के, अगर हम लोग अपना जल जंगल जमीन वहाँ खेती बाड़ी घर मकान बना के कमात खाती, वहाँ हमन के बोलो कि जबरदस्ती घर गिरा देना, जबड़ी फसल के चरा देना, जबड़ी किसी के घर में आग लगा देना, इसी तरह से मतलब सोनभद्र में इतना उपेलन आदिवासी के पर ऊपर में हो रहा है। எல்லாரும் சொன்னாங்க அணுவுல வைக்கத்துலயும் போராடலன்னு சொன்னாங்க, எனக்கு இப்போ 54 வயசு ஆகுது, 24 வயசுலேருந்து நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன், அப்படி போராடியும் எங்களை போலீஸ் அராஜகம் எங்களை முடக்கி வச்சுருக்காங்க, எங்களை போராட விடாமல், ஆனாலும் நாங்கள் முடங்கலை,
பெண்கள் முன்னிலை எடுத்து இன்னும் போராடிட்டு தான் இருக்கோம். காலாவதியான கண்ணீர் போகுண்டு போட்டதுனால எங்களுக்கு கண் பார்வை ஒளி மங்கிச்சு, முடியெல்லாம் கழிஞ்சிச்சு. அவ்வளோ சுவாதனை பண்ணி எங்களை ஜெயிலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. 3 மாதம், 1 நாள் 2 நாள் 3 மாதம் நாங்கள் ஜெயிலில் இருந்தோம். ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க. தண்ணி ஆகாரம் இல்லாமல், சாப்பாடு சரியாக இல்லாமல், கிட்னி ப்ராப்ளம் ஆகி அப்படி இருந்து நான் இன்னும் போராட்டத்தை விட இல்லை. முன்னிலையில் நின்று நான் பெண்ணாகிய நான் முன்னிலையில் நின்று எங்கள் போராட்டம் நடத்தினாலும் நாங்கள் ஜெயிப்போன்னு நாங்கள் இன்னும் போராடிட்டு தான் இருக்கோம். एक घटना हुई थी जो कि दिसंबर 2017 में हुई थी, कोरचोली सावना तोड़का गांव में. एंड ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हर दिन का महिलाओं का क्या संघर्ष रहता है. तो महिलाएं, ये लगभग 10-11 बजे की बात है, महिलाएं अपना अपना काम कर रही थी. अचानक से कोरचोली और सावनार के बीच में कॉमन ग्राउंड सा जगह है, वहाँ से एक गोली की आवाज़ सुनाई दी. तो महिलाएं भागी देखने के लिए कि कौन है. ये कॉमन ग्राउंड है, अभी 11 बजे है, महुआ बीनने का समय का सीज़न है, लोग अपने मवेशियों को चारा खिला रहे हैं, लोग अन्य काम कर रहे हैं, बच्चे हैं वहाँ पे. किसको गोली लगी है, फोर्स किसको गोली चला रही है, सब भागे. सारी महिलाएं भागे तो देखा कि वहाँ पे एक अज्ञात पुरुष को पेड़ के से बांध के उसका सिर बार बार पेड़ में बैंग कर रहे थे, और मतलब उसको टॉर्चर कर रहे थे. तो महिलाओं ने बोला टॉर्चर मत करो, क्या कर रहे हो और कौन है ये आदमी, हमको दिखाओ, हम जानना चाहते हैं कौन आदमी है. उनको भी लगा कि कहीं उनका गांव वाला ना हो, उनका खुद का घर वाला ना हो, कोई भी हो सकता है. तो फोर्स ने दिखाने से मना कर दिया, बोला कि है कोई है, हम नहीं दिखाएंगे तुमको, कोई और गांव का आदमी है, हम नहीं दिखाएंगे. तो जब महिलाओं ने मतलब विद्रोह किया कि नहीं, हम नहीं हटेंगे जब तक आप नहीं दिखाओगे, तो कुछ महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, बहुत सारी महिलाओं को बहुत बेरहमी से मारा गया, बच्चों को मारा गया. एक बच्ची 5 साल की थी जिसको इतना मारा गया. और उन्होंने फोर्स ने महिलाओं को ये बोला कि अगले बार ऐसे करोगे तो सबको नंगा करके भेजेंगे, फिर देखना कोई नहीं आएगा. तो महिलाओं को बार बार डराने की कोशिश जारी है. आप देखिए कि एक औरत मरी जा रही है कंटिन्यूसली, 6 महीने तक वो शी वॉज ऑलमोस्ट डेड. लेकिन उनको लगता है कि औरत है, शायद ये ढोंग करती है, रोती रहती है, क्योंकि औरतें जब रोती हैं कि ये ढोंग करती है. अरे औरत बेचारी क्यों रोएगी बिना रीज़न की, जब तक उसको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी तो नहीं, वो नहीं रोएगी. लेकिन मुझे यकीन है जब माहिना बाहर आएगी वो इतनी स्ट्रांग औरत बन जाएगी. मैंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा, मैंने वुमेन्स कमीशन को लिखा, लेकिन किसी ने उसको डॉक्टर दस्तियाब नहीं किया. हम दूसरे नेता परेता के बहकाव में नहीं हैं, हम अपना हक के लिए कुर्बानी, जान सामान सब देने के लिए तैयार हैं कि हमारा हक मिले. क्या आपको हम टेररिस्ट लगते हैं? हम अपने हक की बात करते हैं, हम अपने सदाकत की बात करते हैं, हम अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, हम आज़ादी की बात करते हैं. आज़ादी जुल्म से, आज़ादी जबर से, आज़ादी ह्यूमन राइट्स वायलेशन से, और हम अपने पॉलिटिकल राइट की रखवाली करना जानते हैं. कितना जुल्म डालोगे, फिर भी हम इंशाल्लाह ताला आज़ादी लेके रहेंगे, आज़ादी हर एक जुल्म और जबर से. उनकी आवाज़ क्यों दब जाती है जब कश्मीर की बात आती है? जब जुल्म और जबर के पहाड़ हम पर टूटते हैं तो आपकी आवाज़ कहाँ जाती है? क्या कश्मीरी अलग मनुष्य हैं? इंसानियत के नाते दुनिया भर के लोग आपस में बहन भाई हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है ना वो आप किसी के बहन होते हैं, ना किसी के भाई होते हैं, ना किसी की बेटी होती है, ना किसी का बेटा होता है. और कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ सारे लोग, एज ए नेशन वी आर इनकार्सरेटेड. That is called, Kashmir is called the beautiful prison. और अलग अलग लोग भी, अलग अलग नौजवान भी, 14 साल से 75 साल के बूढ़े मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद हैं. और आप देखिए, आपकी ये BJP इस वक्त की गवर्नमेंट है, उन्होंने पिछले साल 2 साल से इन्होंने NIA के रेड को बढ़ावा दिया, डराने के लिए, धमकाने के लिए. डराने और धमकाने की भी सीमा होती है, एक हद होती है. एक जगह आप उस डर को इतना पीछे छोड़ जाते हो कि फिर वो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती. और एक कौम को आप कितना डराओ,
यहाँ से वहाँ से कश्मीर के जेलों से लड़कों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, रात के वक्त अगवा करते हैं और यहाँ दिल्ली में पहुँचाते हैं, फिर रोहनी जेल में, राजस्थान जेल में या तिहाड़ जेल में बंद करते हैं। आप देखिए, जिनका गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं जिनके बच्चे 14-14 सालों से 20-20 सालों से जेलों में बंद हैं, उनका हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की कमाई वहाँ सिर्फ सफ़र करने में लग जाता है। क्या उस औरत की रेजिस्टेंस नहीं है जिसका बच्चा 14 साल से जेल में है और जो अपने गांव से कभी बाहर नहीं आई है, लेकिन उसको पता है कि ट्रेन कब मिलेगी, गाड़ी कब मिलेगी, कौन सी कोर्ट है, कौन सा दारा है, कौन सी कितनी तारीखें पड़ी, क्योंकि हमारे किस्मत में ही, जितने कश्मीरी पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनकी किस्मत में ही लिखी है तारीख पे तारीख, और जस्टिस तो हमें मिलता ही नहीं है। तो हम लोग तो लड़ेंगे और जीतेंगे, महिला आगे आएंगे, जितनी भी जेल लेना है लेने दो, जेल तो गए हैं संघर्ष करके, हमारा अधिकार हम छीन के लेके रहेंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे साथी, चाहे वो जेल में हो या पुलिस उत्पीड़न की शिकार है और अभी भी आंदोलन में है, उनको पहचान हो और वो देश को और पूरे समाज को आगे ले जाने का काम करें। इसलिए उनके साथ हम सबको एक साथ मिलकर उनकी ताकत बनानी है और बनना है। मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।